गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल का गुरुग्राम दौरा। गुरुग्राम के दौरे पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, दरअसल वीरांगना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में शिरकत करने वाले हैं राज्यपाल, शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित करेंगे। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम की तस्वीरें आपके सामने, मंच सजाया गया है, कुर्सियां लगाई गई हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, राज्यपाल भी पहुंचेंगे, मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के होंगे और राज्यपाल के हाथों शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो शहीदों के बलिदान को, उनके योगदान को याद किया जाएगा, शहीदों के परिजनों, उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा राज्यपाल की ओर से। चलिए सीधे आपको गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम हम लिए चलते हैं। हितेंद्र मेरे सहयोगी लाइव इस वक्त देख रहे हैं। हितेंद्र, क्या अपडेट के कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें भी साथ ही दिखाई? सम्मान करना जानते हैं गुड़गावा होम डेवलपर्स। बिल्कुल, कार्यक्रम शुरू हो चुका है यहाँ पर ज्योति, और अभी इंतजार किया जा रहा है सिर्फ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वामी धर्मदेव जी भी पहुंच चुके हैं, विशेष अतिथि हैं, अब उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्वामी जी, ये जो कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज शहीदी दिवस है और यहाँ पर कई जो वीरांगनाएं हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। ऐसे मेरे प्यारे की सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा ये देश, मेरा भारत देश, जिस पर मैं हमेशा गर्व करता आया हूँ, और मेरी ये मान्यता है या मेरा ये कहना है, हर भारतवासी को अपने देश पर गर्व होना चाहिए। मेरा ये देश, ठीक है, हजारों साल अन्यथा सैकड़ों साल तक ये गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा, और मेरे देश के कितने वीरों ने, असंख्य असंख्य वीरों ने, जिनका लगभग लगभग 7 लाख का तो उल्लेख आता है, 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक संघर्ष चला। सबसे पहले मंगल पांडे की गोली चलती है, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है देश को आजाद करवाने के लिए, प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी मेरी भारत माता ये आजाद होनी चाहिए, उसके लिए मतलब बलिदान देने वाले लोगों की लाइन लगी। मेरे प्यारे प्यारे माँ के लाडलों ने अपना लहू दिया, खून दिया, देश को आजादी दी, आखिरकार करते करते 1947 में देश आजाद हुआ। अब मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ वो ये कि ऐसे वीर, ऐसे योद्धा, ऐसे बलिदानी, उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं खास तौर पर ये GHDA जो हमारा प्यारा सा ये संगठन है, एसोसिएशन है हमारे गुरुग्राम की, ये धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आज इन्होंने संकल्प लिया कि 23 मार्च जो एक शहीदी दिवस होता है, हम 23 मार्च 2023 को गुरुग्राम में एक अद्भुत कार्यक्रम ऐसा करें कि जिन्होंने बलिदान दिया, हालांकि क्राइटेरिया रखे 1999 से लेकर के अब तक, और उसमें भी गुरुग्राम जिले के जो हमारे ऐसे वीर बहादुर योद्धा जिन्होंने बलिदान दिया, उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित करें। बहुत अच्छा संकल्प, हृदय को गदगद करने वाला संकल्प है, और उसके लिए आज हमारे हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रीमान श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, उनकी गरिमा में उपस्थिति होने वाली है यहाँ प्यारा से स्टेडियम में, देवीलाल स्टेडियम में, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, बड़ी प्यारी साज सज्जा, बड़े सम्मान पूर्वक के कार्यक्रम होने वाला है, और उनकी वीरांगनाओं को एक निश्चित रूप से सम्मान जो मिलना चाहिए, सम्मानित राज्यपाल के हाथों किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हितेंद्र, बातचीत आपने की और सुनवाई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम की, किसी भी पल राज्यपाल पहुंचने वाले हैं, कि तैयारियों के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अब बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, वीरांगनाओं को सम्मानित करने वाले हैं शहीदी दिवस के मौके पर हरियाणा के राज्यपाल।